क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड से ही ना कुछ आइडिया मिलता है कि आखिरकार कौन जो है इस हफ्ते एलिमिनेट हो सकता है। हालांकि अब वीकेंड के वार की शूट जो है स्टार्ट होनी बाकी है, और मैं लगातार आप तक वो अपडेट्स पहुंचाती रहूंगी जो कि सलमान खान घर वालों के साथ बात कर रही हैं। और जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो अब जो है पहले नंबर पे डेफिनेटली अभिषेक कुमार है। बहुत ही ज़्यादा तारीफ जो है कल रात को भी अभिषेक की हुई, और मेरे दिल में भी एक अलग जगह जो है अभिषेक ने बना लिया। बहुत ही बढ़िया बात जो है उसने की है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और सबके दिल में एक रिस्पेक्ट बनाई। दूसरे नंबर पे नील भट्ट, तीसरे नंबर पे आयशा, और चौथे नंबर पे रिंकू। रिंकू और आयशा में जो है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वोट्स का, ये दोनों ही जो है डेंजर में हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शो जो है आगे एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो अगर हुआ तो डबल एविक्शन होगी। पर न्यू ईयर का मौका है, तो न्यू ईयर के मौके पे क्या एविक्शन होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर एविक्शन होनी है तो डेफिनेटली आयशा और रिंकू में से कोई जाएगा ही जाएगा। अगर एविक्शन होनी है तो ज़्यादातर चांसेस जो है रिंकू के जाने के, क्योंकि आयशा जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है। मेकर्स अब उस चीज़ को एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मेकर्स के ऊपर डिपेंड है। हालांकि आपने किसको की है वोट, और मैंने भी आप लोगों को बोला था कि मैंने किसको की है वोट, वो मैं आप लोगों को क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में बताऊंगी। तो गाइज, मैंने वोट की है रिंकू जी को। अभिषेक तो मुझे पसंद है, पर मैंने रिंकू जी को वोट इसलिए की है कि जैसे कि पूरी मुनावर की जनता बोल ही रही है कि रिंकू को करो वोट, रिंकू को करो वोट। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बोला, तो आखिरकार मैं आप लोगों की बात ना मानूँ ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।